हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सर, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आज का जो क्लास है काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि प्रधानाध्यापक की जो एग्ज़ाम है काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो ये क्लास है ये डीएड और बीएलएड से संबंधित है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि दोनों के लिए है। अभी आपको बताएंगे यहाँ पर हम शिक्षा मनोविज्ञान के संपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रतिपादक से संबंधित यहाँ पर बहुत सारा सवाल देखेंगे। और शिक्षण जो विधियाँ हैं और उनके कौन कौन से प्रतिपादक हैं ये भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। तो चलिए इसको हम लोग पूरा करते हैं। और आज का जो ये टेस्ट है इसमें हम लोग 45वां टेस्ट देखेंगे और इसमें लगभग 250 प्रश्न तक हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। 250 प्रश्न का ये वीडियो है। काफ़ी ये अच्छा वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। इसको आप एक दो बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा और ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है, तो 1 से 1.25 घंटा में आपका पूरा लगभग कंप्लीट कर देंगे यहाँ पर। और चलिए दोस्तों, तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। डेली आपका क्लास चलता है 9 बजे से, आप लोग को पता ही है। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए, आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी भी नहीं जुड़े हैं, तो इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है। वहाँ पर हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग पीडीएफ ले चुके हैं और उनकी तैयारी अच्छी भी हो रही है और काफ़ी अच्छी हो भी गई है। आप लोगों के मैसेज से और आप लोग के कॉल से पता चलता है। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें आपको मैसेज करना पड़ेगा, है ना। इस व्हाट्सएप जो नंबर है इस पर मैसेज करना है और ये जो नंबर दिख रहा है इस पर आपको 351 रुपये का आपको सहयोग करना होगा। जी हाँ, 351 का जो लोग पेमेंट किए हैं उनको इसका पीडीएफ और इसके पहले जितना भी टेस्ट हो गया सबका पीडीएफ, इसके अलावा नोट्स वगैरह आपको सारा चीज़ वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। और आप लोग तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। तो आप लोग को 351 का एक बार पेमेंट करना है और उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आपको पीडीएफ, वीडियो, नोट्स इत्यादि मिलता रहेगा। और प्रधान शिक्षक वाले भी ले सकते हैं, प्रधानाध्यापक वाले ले सकते हैं। प्रधान शिक्षक का तो अभी समय बहुत ज़्यादा है तो आप लोग आराम से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। प्रधानाध्यापक का अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 1 महीने, अब 2 दिन बचा है समय, है ना, प्रधानाध्यापक के लिए। तो आप लोग भी अगर 2 दिन में चाहते हैं कि लेकर के कुछ देख ले ताकि कुछ फायदा हो जाए। ज़्यादा तो पेमेंट करना नहीं है, मात्र 351 का यहाँ पर सहयोग करना है, ठीक है। और आपको सारा पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम से आप जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम में सर्च जाकर के सर्च कर सकते हैं कैरियर परिवार, है ना, CARREER कैरियर परिवार लिखिएगा, PARIWAR। तो हमारा चैनल आ जाएगा कैरियर परिवार, वहाँ से आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं और हमसे आप जुड़ सकते हैं। चलिए आज का प्रश्न हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज का जो सवाल है वो बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान के संपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। बहुत सारा कॉल आया कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए, तो चलिए आज इस पर हम लोग इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। जो भी शिक्षा मनोविज्ञान है और उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो जो प्रतिपादक हैं, ये यहाँ से आपको 1, 2, 3 प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। ज़्यादा भी पूछा जा सकता है, कम भी पूछा जा सकता है, लेकिन कम तो नहीं पूछेगा, कम से कम 2-3 तो जरूर पूछेगा आपको यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर एक जगह पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए आज का पहला सवाल, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, पहला कह रहा है कि आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा किसने दिया है, तो विलियम जेम्स ने। आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा, इसको आप एक दो बार देख लीजिएगा, है ना। बाद में भी आप वीडियो जब लाइव खत्म हो जाएगा उसके बाद इसको एक बार जरूर से जरूर रिपीट कर लीजिएगा। दूसरा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो थॉर्नडाइक। जी हाँ, देखते चलिएगा, मैं एक बार दो बार इसको रिपीट करते चलूंगा हर एक प्रश्न को और आंसर को भी रिपीट कर दूंगा ताकि आपके दिमाग में आप सुन भी लीजिएगा तो आपको बैठ जाएगा, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो ई विलियम जेम्स। मनोविज्ञान के जनक ई विलियम जेम्स। नेक्स्ट है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम जेम्स। 5 नंबर प्रश्न है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जी हाँ, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक, ठीक है। थॉर्नडाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना सवाल है ना आपके लिए रामबाण है, ठीक है, रामबाण है। नेक्स्ट प्रश्न 6 है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया। प्रयास एवं त्रुटि थॉर्नडाइक, प्रयत्न एवं भूल थॉर्नडाइक, आधुनिक मनोविज्ञान विलियम जेम्स। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, 7 प्रश्न है कि प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो विलियम जेम्स, है ना। प्रकार्यवाद के जनक विलियम जेम्स। संयोजनवाद सिद्धांत के जनक थॉर्नडाइक, याद रखिएगा, संयोजनवाद सिद्धांत के जनक
थॉर्नडाइक। जी हाँ, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक से तो फिक्स है कि 1 से 2 प्रश्न आपको पूछे गए हैं, है ना। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक। एस आर थ्योरी का जन्मदाता, ये भी थॉर्नडाइक। अभिगमन का बंध सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक। याद रखिए, उद्दीपन अनुक्रिया थॉर्नडाइक, एस आर थ्योरी थॉर्नडाइक, अधिगमन का या बंध का सिद्धांत थॉर्नडाइक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर की संबंधवाद का सिद्धांत। जी हाँ, संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया? एक मिनट, हाँ, प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक। संबंधवाद का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक। जी हाँ, थॉर्नडाइक बहुत सारे चीज दिए थे, है ना। तो जितना भी थॉर्नडाइक का है तो थॉर्नडाइक आप रट लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, आपको बीने साइमन, है ना, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। नाम ही है यहाँ पर बीने और साइमन, तो बीने साइमन ने दिया था, है ना। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बीने एवं साइमन। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता बीने ही हैं, है ना, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता बीने ही हैं। एक खंड बुद्धि के सिद्धांत बीने ही दिए थे। जी हाँ, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बीने महोदय के द्वारा ही दिया गया है। दो खंड किसके द्वारा दिया गया है? दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन, है ना, दो खंड स्पीयरमैन। तीन खंड किसके द्वारा? स्पीयरमैन। दो खंड और तीन खंड दोनों स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत किसने दिया है? सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये भी है स्पीयरमैन। दो खंड, तीन खंड और एक हो गया सामान्य और विशिष्ट तत्व, इसका भी स्पीयरमैन, यानी कि एस आर थ्योरी। नेक्स्ट है बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत, ये भी स्पीयरमैन, है ना, बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत, ये भी स्पीयरमैन। नेक्स्ट है त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत, ये भी है गिलफोर्ड। बुद्धि संरचना का सिद्धांत, ये भी है गिलफोर्ड। देखिए, इसको बनाने में ना, ये पीडीएफ बनाने में काफ़ी मेहनत लगा हुआ है। कल से मैं इसको बनाने में लगा हुआ हूँ, बहुत 2-3 दिन से, है ना। कल जा करके ये पूरा क्लियर हुआ था, रात में 2 बज गया था करते करते, ठीक है। और आज इसको मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सभी के लिए ये काफ़ी लाभदायक हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थ्रस्टन। याद रखिएगा, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत कौन है? थ्रस्टन है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड। त्रिआयाम का सिद्धांत गिलफोर्ड, है ना। द्वीखंड अभी आप देख लिए थे, है ना, द्वीखंड हो गया, तीन खंड हो गया, ये सब स्पीयरमैन था आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, आपका समूह खंड का कौन था? आपका समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थ्रस्टन। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थ्रस्टन। नेक्स्ट है 25 की युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक। जी हाँ, युग में तुलनात्मक निधि विधि के प्रतिपादक है कौन? तो वो भी है थ्रस्टन महोदय। देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं ना, तो ऑफिस के लिए इतना मेहनत किया जाता है, तो एक बार लाइक बटन को दबा दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो देर काहे को, सब्सक्राइब कर लीजिए। पैसा तो नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री में करना है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल जो बगल में है उसको भी बजा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 26 नंबर कह रहा है कि क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? थ्रस्टन। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन। नेक्स्ट है 27 नंबर समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक। जी हाँ, समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन एवं चेव। कौन है? थ्रस्टन एवं चेव, याद रखिएगा। न्यायदर्श प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? यानी कि इसको वर्ग घटक भी कहा जाता है। न्यायदर्श प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन, किसने दिया? थॉमसन ने। नेक्स्ट है 29 नंबर कह रहा है कि पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत। जी हाँ, पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत बर्ट एवं वर्नन, बर्ट एवं वर्नन, पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। जी हाँ, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आर बी कैटल महोदय, याद रखिएगा। जितने भी सवाल है ना, रामबाण है बबुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आर बी कैटल, प्रतिकारक, प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आर बी कैटल। प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक आर बी कैटल। बुद्धि क और बुद्धि ख के प्रतिपादक कौन है? हैव। बुद्धि क और बुद्धि ख के प्रतिपादक कौन है? हैव, ठीक है। चलिए, आप इसको नोट भी करते चलिए तो भी आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि लिखने से आपको याद भी हो जाता है, ठीक है। अगला है कि बुद्धि इकाई का सिद्धांत अस्टर्न और जॉनसन, सॉरी, प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया? तो अस्टर्न एवं जॉनसन, किसने दिया? बुद्धि इकाई अस्टर्न एवं जॉनसन।
बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? विलियम स्टर्न। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने सूत्र के प्रतिपादक विलियम स्टर्न। जी हाँ, विलियम स्टर्न। नेक्स्ट है आपका 35। कह रहा है संरचनावाद संप्रदाय के जनक, संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम वुंट। कौन है दोस्तों? विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। जी हाँ, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे। संरचनावाद के विलियम वुंट, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विलियम वुंट, विकासात्मक मनोविज्ञान जीन पियाजे। नेक्स्ट है आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता, जी हाँ, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल, विलियम मैकडूगल। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैकडूगल। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैकडूगल। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जी हाँ, एकदम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्कीनर महोदय, किसने दिया? स्कीनर, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपने वाला सवाल है ये सभी, स्कीनर महोदय। क्रिया सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्कीनर, क्रिया प्रसूत ये भी स्कीनर, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इवान पावलोव, है ना, इवान पेट्रोविच पावलोव। जी हाँ, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव महोदय, पावलोव याद रखिएगा, कुत्ता पे किया था प्रयोग। नेक्स्ट है आपका 45 की संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। जी हाँ, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये भी पावलोव, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये भी पावलोव। नेक्स्ट है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के दिया था? पावलोव ने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी पावलोव का है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत, ये भी पावलोव का है। जी हाँ, सभी पावलोव का है। देखिए बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में और आप लोग एक भी प्रश्न को मत छोड़िएगा, है ना। प्रतिस्थापन का सिद्धांत पावलोव, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही को काम देगा, ये आपको जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, जो बी टेट की तैयारी करते हैं, जो यूपी टेट की तैयारी करते हैं, या फिर टीचर से संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सब में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रबलन या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत, सी एस हल, है ना, सी एस हल दिया था 48, प्रबलन का सिद्धांत सी एस हल। नेक्स्ट है कि व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, सी एल हल। जी हाँ, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? सी एल हल। सबलीकरण का सिद्धांत सी एल हल। संपोषण का सिद्धांत ये भी सी एल हल। जी हाँ, सब याद रखिएगा, सब एक ही दी है, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, संपोषण का सिद्धांत, सब एक ही है सी एल हल। और एक थे और यहाँ पर प्रबलन का सिद्धांत सी एल हल, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चालक या अंतर्नोद का सिद्धांत। जी हाँ, अंतर्नोद या फिर प्रनोद का सिद्धांत पूछा जाता है, ये भी सी एल हल का है। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत ये कोहलर महोदय, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत छपने वाला कोहलर महोदय। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये भी छपने वाला है कोहलर महोदय, कोहलर और वर्दीमर दोनों, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर वर्दीमर के द्वारा। नेक्स्ट है गेस्टॉल्टवाद के प्रतिपादक, छपने वाला सवाल है दोस्तों, छपने वाला प्रश्न है। गेस्टॉल्टवाद संप्रदाय के जनक कोहलर और वर्दीमर, गेस्टॉल्टवाद संप्रदाय के जनक कोहलर और वर्दीमर। क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक लेविन, क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक लेविन। तल रूप का सिद्धांत लेविन, तल रूप का सिद्धांत कौन दिया था? यह भी लेविन महोदय के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है कि समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक, जी हाँ, समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक, ये भी लेविन महोदय। नेक्स्ट है समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी, समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी, बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। साइन यानी कि चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया? टॉलमैन। चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया? टॉलमैन। साइन यानी कि चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन। नेक्स्ट है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक, ये भी टॉलमैन। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक ये भी है टॉलमैन। अगला है कि अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड ऑसवेल, डेविड ऑसवेल, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड ऑसवेल। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि भाषाई सापेक्षता परिकल्पना के प्रतिपादक कोर्जीवस्की, है ना, याद रखिएगा, भाषाई सापेक्षता परिकल्पना के प्रतिपादक कोर्जीवस्की। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जोहन वी वाटसन, जी हाँ, जोहन वी वाटसन।
नेक्स्ट है आपका कि अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क महोदय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क। अगला प्रश्न है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक, जी हाँ सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा, कौन है अल्बर्ट बंडूरा, बहुत इंपॉर्टेंट, छपने वाला। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी छपने वाला है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल। अभिगमन सोपानकी का प्रतिपादक गेने महोदय, अभिगमन सोपानकी के प्रतिपादक गेने महोदय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन, वेरी इंपॉर्टेंट, छपने वाला, विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन महोदय। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्रणाली करके सीखने का सिद्धांत जॉन डीवी, प्रोजेक्ट प्रणाली करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया, जॉन डीवी, ये भी छपने वाला है। अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिग हास, अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिग हास। नेक्स्ट है कि अभिगमन अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर, अभिगमन अवस्थाओं के प्रतिपादक दोस्तों जेरोम ब्रूनर, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, जेरोम ब्रूनर ने दिया। शक्ति मनोविज्ञान का जनक वाल्फ, शक्ति मनोविज्ञान का जनक वाल्फ। नेक्स्ट है आपका कि अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत बगले, अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया, बगले ने। भाषा विकास का सिद्धांत, छपने वाला प्रश्न है, भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की, जी हाँ भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की। मांग पूर्ति यानी कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मैस्लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपने वाला। मांग पूर्ति का सिद्धांत यानी कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया, मैस्लो महोदय ने। नेक्स्ट है कि स्वयं यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये भी मैस्लो। आत्मज्ञान का सिद्धांत, ये भी मैस्लो का, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैक्लियड, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैक्लियड। नेक्स्ट है प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया, तो वोल्स, प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया, वोल्स व कॉफमैन। सील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक ऑलपोर्ट, सील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक ऑलपोर्ट। व्यक्तित्व मापन मांग का सिद्धांत हेनरी मुरे, व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत हेनरी मुरे। नेक्स्ट है आपका कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मोर्गन एवं मुर्रे, कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मोर्गन और मुर्रे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT विधि के प्रतिपादक मोर्गन और मुर्रे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी छपने वाला है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मोर्गन और मुर्रे, TAT याद रखिएगा। बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT विधि के प्रतिपादक, बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT विधि के प्रतिपादक लियोपोल्ड बैलक। नेक्स्ट प्रश्न है रोरसा स्याही धब्बा, वेरी इंपॉर्टेंट, छपने वाला है। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक हरमन रोरसा, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक हरमन रोरसा। रोरसा इधर है, रोरसा इधर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि वाक्य पूर्ति परीक्षण, जी हाँ वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रतिपादक पाइन व टेडलर, है ना, पाइन व टेडलर। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हॉटसॉर्न, व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हॉटसॉर्न। नेक्स्ट है किंडरगार्टन विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये छपने वाला है। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोवेल महोदय, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोवेल। खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रोवेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों आपको छपने वाला है, खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रोवेल। नेक्स्ट है कि मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी छपने वाला है आपका। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड, जी हाँ स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हेनरी किलपैट्रिक, विलियम हेनरी किलपैट्रिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी छपने वाला सवाल है, एक भी सवाल मत छोड़िएगा ये सब। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक। मापनी भेदन विधि के प्रतिपादक, जी हाँ मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड्स वकील पैट्रिक, ये भी कौन है, किलपैट्रिक, है ना,
किलपैट्रिक। नेक्स्ट है आपका कि डाल्टन विधि के प्रतिपादक, जी हाँ ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, डाल्टन विधि के प्रतिपादक ये भी हो जाएगा पार्कहर्स्ट, मिस हेलन पार्कहर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलन पार्कहर्स्ट, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मॉरिय मॉन्टेसरी, है ना, इसके बारे में नोट्स वगैरह दे चुका हूँ, आप उसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मॉरिय मॉन्टेसरी। ड्रेकोल विधि के प्रतिपादक ओविड ड्रैकोली, जी हाँ ड्रैकोल विधि के प्रतिपादक ओविड ड्रैकोली। नेक्स्ट है कि विनय टीका इकाई विधि के प्रतिपादक, ये हो जाएगा कार्लटन। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक एच ई आर्मस्ट्रांग ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक। नेक्स्ट है दोस्तों कि समाज मिति विधि के प्रतिपादक, जी हाँ समाज मिति विधि के प्रतिपादक जे एल मोरेनो। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक लीकट, योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक लीकट। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक गेटमैन, स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक गेटमैन। नेक्स्ट है आपका कि विभेदन शाब्दिक विधि के प्रतिपादक आसगुड, विभेदन शाब्दिक विधि के प्रतिपादक आसगुड। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन, जी हाँ स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन। स्टैनफोर्ड बीने स्केल परीक्षण टर्मन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये छपने वाला है, स्टैनफोर्ड बीने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक टर्मन महोदय हैं। अगला है, नेक्स्ट प्रश्न 107 नंबर कह रहा है कि फोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक SD Fortius, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक SD Fortius। वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक डी वेसलर। नेक्स्ट है आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक ऑथर S. Otis, जी हाँ ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक ऑथर S. Otis। नेक्स्ट है आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक, जी हाँ बीटा, आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक ऑथर S. Otis, दोनों अल्फा बीटा यही है। हिंदुस्तानी बीने क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक C. H. Rice, जी हाँ हिंदुस्तानी बीने क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक C. H. Rice। प्राथमिक वर्गीकरण प्रशिक्षण के प्रतिपादक J. Munro, जी हाँ प्राथमिक वर्गीकरण प्रशिक्षण के प्रतिपादक J. Munro। वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक मेंडल, जी हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा वंश सूत्र नियम के प्रतिपादक कौन है, मेंडल, यानी कि अनुवंशिकता का सिद्धांत भी मेंडल महोदय। अगला प्रश्न है 114 नंबर की बाल अपराध विज्ञान के जनक सीजर लोब्रोसो, जी हाँ बाल अपराध विज्ञान के जनक सीजर लोब्रोसो। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुई ब्रेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुई ब्रेल। साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक अलेक्जेंडर वेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक अलेक्जेंडर वेन। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक हार्लो, सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक हार्लो। शरीर रचना सिद्धांत दोस्तों, शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक सेल्डन, शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक सेल्डन। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक गोल्डस्टीन, वेरी इंपॉर्टेंट, व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक गोल्डस्टीन। तो ये रहा दोस्तों आपका शिक्षा मनोविज्ञान के संपूर्ण सिद्धांत और उनके कौन कौन से प्रतिपादक थे, ये आपका टोटल 119 आपका यहाँ पर रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यहाँ से आप मान लीजिए कि दो प्रश्न आपको फिक्स हो गया, जितना अभी आप ऊपर देख लिए है ना। अब हम आपको बता दें कि इसका अगर PDF आप लेना चाहते हैं तो आपको हमारे WhatsApp ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। वहाँ पर आपको फ़ोन पे या गूगल पे करना होगा इस नंबर पर 7857823101 का पेमेंट करना है, सारा PDF नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए आपको PDF वीडियो नोट्स मिलता रहेगा। अभी जो ये वीडियो आपको YouTube पर मिल रहा है सार्वजनिक है, लेकिन एक दो दिन में ये आपका YouTube पर आना बंद हो जाएगा, जो लोग पेमेंट किए हैं, क्योंकि वहाँ हज़ारों लोग कर चुके हैं और उन्हीं को ये वीडियो फिर मिलने वाला है, तो आप लोग उसमें जुड़ जाइए ताकि आपको भी ये वीडियो मिल सके, ठीक है। चलिए अब हम आगे कुछ देख लेते हैं
इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जी हाँ कुछ और भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि साइकोलॉजी, जी हाँ साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, जी हाँ साइकोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा रुडोल्फ गोलकाय के द्वारा सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था 1590 में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग। दूसरा प्रश्न है कि विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया, विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण जो किया गया था 1905 में बीने व साइमन के द्वारा, भेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 100% छपने की संभावना है, याद रखिएगा 1905 बीने और साइमन के द्वारा। तीसरा नंबर सवाल है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है और ये यूनानी भाषा के साइको प्लस लोगोस से मिलकर के ये बना हुआ है साइकोलॉजी। नेक्स्ट है कि आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक कौन है, जी हाँ आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक जो है वो है डेकार्टे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डेकार्टे, ठीक है, याद रखिएगा। साइकोलॉजी दो शब्द से मिलकर के बना है, साइकोस प्लस लोगोस से मिलकर के बना है, यूनानी भाषा है, और आधुनिक मनोविज्ञान के जो प्रथम वैज्ञानिक है वो है डेकार्टे। अगला प्रश्न है कि साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजी किसने लिखी है, तो ये रुडोल्फ गायकाय के द्वारा, जी हाँ किसके द्वारा लिखी गई है, तो रुडोल्फ गायकाय के द्वारा ये लिखी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व का प्रथम साइकोलॉजी लैब, जी हाँ विश्व का प्रथम साइकोलॉजी लैब कब तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ये किया गया 1879 में विलियम द्वारा, जर्मनी में स्थापित किया गया था, जी हाँ किसके द्वारा, तो विलियम के द्वारा, कहाँ, तो जर्मनी में स्थापित किया गया था 1879 में प्रथम बार साइकोलॉजी लैब, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण कब किया गया, जी हाँ भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में C.H. राइस के द्वारा किया गया था, C.H. राइस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर, कह रहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माने जाते हैं, तो विलियम जेम्स। नेक्स्ट है किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोवेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोवेल, ये सब क्वेश्चन है ना आपको छपने वाला है, हर बार छपता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि संख्यात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बंडूरा, संख्यात्मक आंदोलन के जनक कौन है, अल्बर्ट बंडूरा। तो ये रहा कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, अब हम देखने वाले हैं शिक्षण विधियाँ और उनके प्रतिपादक, जी हाँ यहाँ पर हम बहुत सारे अभी शिक्षण विधि देखेंगे और उनके कौन प्रतिपादक है ये यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला जो सवाल है वो है किंडरगार्टन, तो किंडरगार्टन जो विधि है इसके प्रतिपादक है फ्रोवेल महोदय, किंडरगार्टन शिक्षा विधि के प्रतिपादक फ्रोवेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी, मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी। खेल विधि के प्रतिपादक हेनरी वेलकोल्ड कुक, है ना, हेनरी वेलकोल्ड कुक खेल विधि के प्रतिपादक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल्टन विधि के प्रतिपादक हेलन पार्कहर्स्ट। अगला प्रश्न है आपका पर्यटन विधि, जी हाँ पर्यटन विधि के प्रतिपादक पेस्टोलॉजी, पर्यटन विधि के प्रतिपादक पेस्टोलॉजी। खोज विधि के प्रतिपादक दोस्तों आर्मस्ट्रांग, खोज विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग। प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक सुकरात, प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक सुकरात हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक, जी हाँ प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक, विलियम हेनरी किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि। वैज्ञानिक विधि गुडवार स्केट्स, वैज्ञानिक विधि गुडवार स्केट्स। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक, समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक सुकरात, सुकरात। सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक रॉबर्ट, सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक रॉबर्ट। मूल्यांकन विधि के प्रतिपादक जे एम राइस, मूल्यांकन विधि के प्रतिपादक जे एम राइस। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक विधि सुकरात, समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक विधि सुकरात। इकाई उपागम के प्रतिपादक एच सी मॉरिसन, इकाई उपागम एच सी मॉरिसन। नेक्स्ट प्रश्न है विनेटिका विधि के प्रतिपादक कार्लटन वाशबर्न, विनेटिका विधि कार्लटन वाशबर्न। डेक्रॉली विधि के प्रतिपादक, डेक्रॉली शिक्षण विधि के प्रतिपादक डेक्रॉली, याद रखिएगा ड्रेकॉली, है ना ड्रेकॉली।
ब्रेल पद्धति के प्रतिपादक लुई ब्रेल, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेल पद्धति के प्रतिपादक लुई ब्रेल। आगे है आपका प्रक्रिया विधि के प्रतिपादक, जी हाँ प्रक्रिया विधि के प्रतिपादक कमेनियस। बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी, वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक शिक्षा पद्धति के प्रतिपादक महात्मा गांधी। समाज नीति विधि के प्रतिपादक एल मोरेनो, समाज नीति विधि के प्रतिपादक एल मोरेनो। नेक्स्ट है आपका आगमन विधि अरस्तु, जी हाँ आगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु महोदय। अगला है निगमन विधि के प्रतिपादक प्लेटो, निगमन विधि प्लेटो। हर्बर्ट विधि हर्बर्ट, हर्बर्ट विधि हर्बर्ट, याद रखिएगा सभी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ, प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक वुडवर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संवाद विधि के प्रतिपादक प्लेटो, संवाद विधि के प्रतिपादक प्लेटो। नेक्स्ट है 26 नंबर, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि, बी एफ स्किनर। जी हाँ रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि के प्रतिपादक बी एफ स्किनर। नेक्स्ट है आपका शास्त्रीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के प्रतिपादक, दोस्तों बताइए शास्त्रीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि के प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउडर, है ना। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रतिपादक थॉमस एफ गिलबर्ट, जी हाँ थॉमस एफ गिलबर्ट। जी हाँ तो ये कुछ अभिशिक्षण विधियाँ देखे और उसके प्रतिपादक देखे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी और भी यहाँ पर बहुत सारा चीज़ अभी आपको बताने वाले हैं, अभी आपको भागना नहीं, अभी क्लास ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए हम आगे देख लेते हैं, कुछ मापन और मूल्यांकन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अभी मापन और मूल्यांकन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, 351 का पेमेंट करके जितना भी क्लास हुआ है सबका पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा आपको बहुत सारा नोट्स वगैरह भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं मापन और मूल्यांकन से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला प्रश्न कह रहा है कि मूल्यांकन किन दो शब्दों से मिलकर के बना है, जी हाँ बताइए कि मूल्यांकन जो है ये किन दो शब्दों से मिलकर के बना है, तो मूल्य प्लस अंकन, किससे बना है, मूल्य प्लस अंकन से। दूसरा है मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, जी हाँ तो इसके तीन प्रकार होते हैं मूल्यांकन के, एक तो लिखित, दूसरा मौखिक और तीसरा साक्षात्कार। तीन रूप से आप किसी का मूल्यांकन कर सकते हैं बच्चे का, है ना, लिखित भी ले सकते हैं, मौखिक भी और साक्षात्कार भी। मापन के कितने स्तर होते हैं दोस्तों, तो मापन के चार स्तर होते हैं, एक नामित होता है, एक क्रमित होता है, एक आंतरिक होता है और एक अनुपातिक होता है। तो मापन के चार स्तर होते हैं, याद रखिएगा। मापन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो ये नियमानुसार प्रक्रिया है, मापन नियमानुसार प्रक्रिया है। अंक प्रदान करने की मूल्यांकन का संबंध किससे होता है, जी हाँ अंक प्रदान करने की मूल्यांकन का संबंध किससे होता है, तो अभिगमन से होता है, किससे होता है, अभिगमन से होता है। सभी प्रश्न आपके लिए ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितने भी सवाल है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और एक भी सवाल मत छोड़िएगा और एक दो बार इसको रिवीजन भी कर लीजिएगा। मापन के स्तर किसने बतलाए हैं, तो एस स्टीवेंस ने बताए हैं मापन के स्तर, एस स्टीवेंस। मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है, तो मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी व्यापक होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानसिक मापन शब्द किसने प्रयोग किया था, जी हाँ मानसिक मापन शब्द किसने प्रयोग किया था, तो कैटल महोदय ने इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट है 9 नंबर कि मापन की कोई दो विशेषता बतलाइए, तो एक वस्तुनिष्ठ और दूसरा वैध। मापन की दो विशेषता क्या है, तो वस्तुनिष्ठ और वैध। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर कि उद्देश्य केंद्रित शिक्षा किसका लक्ष्य है, जी हाँ उद्देश्य केंद्रित शिक्षा जो लक्ष्य है वो मूल्यांकन का ही लक्ष्य है आपका, किसका लक्ष्य है, मूल्यांकन का। चर कितने प्रकार के होते हैं, जी हाँ चर कितने प्रकार के होते हैं, तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के होते हैं, चर दो प्रकार के, गुणात्मक और मात्रात्मक। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है, जी हाँ मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है,
तो शिक्षक एवं छात्र दोनों का अध्ययन किया जाता है मूल्यांकन में। नेक्स्ट है आपका कि मात्रात्मक चर कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, मात्रात्मक चर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सतत और असतत दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर की परिणामतः परिणात्मक मूल्यांकन कितने होते हैं। जी हाँ, परिणात्मक मूल्यांकन कितने होते हैं, तो लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक मूल्यांकन तीन हो गया आपका, लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक। गुणात्मक मूल्यांकन होते हैं, तो ये साक्षात्कार, निरीक्षण और प्रश्नावली। गुणात्मक मूल्यांकन साक्षात्कार के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा और प्रश्नावली के द्वारा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सर्वांगीण विकास हेतु क्या आवश्यक होता है। जी हाँ, सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन। बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है 17 नंबर कि मापन द्वारा किन बातों की जांच की जाती है। तो मापन द्वारा दोस्तों रुचि, प्रकृति, चिंतन, कल्पना और प्रवृत्ति की माप की जाती है। मापन द्वारा किन बातों की जांच की जाती है, तो रुचि, प्रकृति, चिंतन, कल्पना और प्रवृत्ति की जाती है। ठीक है, जांच की जाती है। नेक्स्ट है कि किसी गुण या विशेषता को गणितीय इकाई में व्यक्त करना क्या कहलाता है। जी हाँ, किसी भी गुण और विशेषता को गणितीय इकाई में व्यक्त करने को कहते हैं मापन। क्या कहते हैं? मापन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने अंग होते हैं, तो तीन अंग होते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के। मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो निर्णयात्मक प्रक्रिया है। निर्णयात्मक प्रक्रिया है आपको मूल्यांकन। नेक्स्ट है कि उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, तो विद्यार्थियों की कमजोरियों में सुधार करना। उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो विद्यार्थियों की कमजोरियों में क्या करना है, सुधार करना है। बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं दोस्तों, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट है आपका 23 प्रश्न कह रहा है कि निबंधात्मक प्रश्नों का अंकों का प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो 40% प्रश्न होना चाहिए निबंधात्मक प्रश्न का, है ना। अगर बच्चे का टेस्ट लिया जाए तो निबंधात्मक प्रश्न के अंकों का प्रतिशत 40% तक होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, चार। परीक्षण विधि के अंतर्गत मूल्यांकन की परिस्थितियां कैसी होती है दोस्तों, परीक्षण विधि के अंतर्गत मूल्यांकन की जो परिस्थितियां हैं वो अर्धकृत्रिम और वास्तविक होती है, अर्धकृत्रिम और वास्तविक होती है। नेक्स्ट है 26 नंबर कि दैनिक मूल्यांकन लाभदायक होता है। जी हाँ, दैनिक मूल्यांकन लाभदायक होता है बालक को तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। जी हाँ, बालक को तत्कालिक शैक्षिक विधि का स्थिति का पता लगाने में। मापन के दो कार्य बतलाइए। जी हाँ, मापन के दो कार्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो निर्देशन और परामर्श। मापन के दो कार्य निर्देशन और परामर्श। 28 नंबर कह रहा है कि किसी परीक्षण में छात्र को सत्य और असत्य में उत्तर देना पड़ता है। जी हाँ, किसी परीक्षण में अगर छात्र को सत्य या असत्य में उत्तर देना पड़ता है, तो सत्यासत्य परीक्षण में इसका इस प्रकार से परीक्षण होता है आपका। नेक्स्ट है कि सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का पथ प्रशस्त करता है सतत मूल्यांकन करता है। अगला प्रश्न है कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने की यह प्रक्रिया है, और यह कथन किसका है, तो ये स्टीवेंसन का है। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि मापन जो है किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, और ये जो कथन है वो है स्टीवेंसन का है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 नंबर। 31 कह रहा है कि क्रियात्मक धन का लक्ष्य है। जी हाँ, क्रियात्मक धन का क्या लक्ष्य है, तो सामान्य ज्ञान की खोज, विशिष्ट ज्ञान की खोज, नवीन शैक्षणिक ज्ञान की खोज। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए 20 अंक के। जब एग्जाम बच्चे का होता है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगभग 20 अंक का होना चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या 5 होनी चाहिए। अगला है कि आजकल परीक्षाओं में सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है वर्तमान समय में, है ना। नेक्स्ट है 35 नंबर कि अध्यापक निर्मित परीक्षण की विशेषता कौन सी है। तो अध्यापक निर्मित परीक्षण की विशेषता, किसी प्रकार के मापन होना अनिवार्य नहीं है,
नेक्स्ट है कि मूल्यांकन की क्रियात्मक पक्ष में सम्मिलित है तो समायोजन इसमें सम्मिलित है। अगला है 37 नंबर की सतत मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है, तो ये व्यापक होता है। ठीक है, सतत मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 नंबर, कह रहा है कि जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न ने योग्यताओं का मापन, उसके दायित्व या विषयों का अध्ययन किया है, वह क्या कहलाता है, तो उसको मूल्यांकन ही कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता किस कारण होती है, तो शैक्षणिक स्तर की जांच करने के लिए होती है, है ना। नेक्स्ट है कि किसके अनुसार शैक्षणिक मूल्यांकन प्रक्रिया चतुर्मुखी है, तो डॉक्टर पटेल के अनुसार। किसके अनुसार शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है चतुर्मुखी है, तो डॉक्टर पटेल के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि शैक्षणिक मापन के कितने स्तर होते हैं, तो 4 स्तर, शाब्दिक, कृत्रिम, अंतराल और अनुपात। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र के व्यक्तित्व के कौन कौन से अंग आते हैं, मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र के व्यक्तित्व के कौन कौन से अंग आते हैं, ज्ञान हो गया, कुशलताएँ हो गया, रुचियाँ हो गया और योग्यता हो गया और बुद्धि हो गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या होता है, जी हाँ, तो क्रियात्मक पक्ष होता है स्वभाविकरण करना। नेक्स्ट प्रश्न है मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षणिक योग्यता को प्रतिशत में अंकों में प्रदर्शित करता है, यह कहलाता है शैक्षणिक मापन। जी हाँ, मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षणिक योग्यता को प्रतिशत में अंक में प्रदर्शित करता है, यह शैक्षणिक मापन कहलाता है। अगला है 45 नंबर कि एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण क्या होता है, तो अच्छा परीक्षण संप्रयोजन उद्देश्य पूर्ण होता है। जी हाँ, संप्रयोजन और उद्देश्य पूर्ण होता है। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर, कह रहा है कि छात्रों के शैक्षणिक कौशल की जांच प्रति माह तिथि वार करना क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं सतत मूल्यांकन। जी हाँ, छात्रों के शैक्षणिक कौशल की जांच प्रति माह और तिथि वार जो करता है, इसको कहते हैं क्या, तो सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है कि निरंतर मूल्यांकन योजना किसे कहते हैं, तो सतत मूल्यांकन को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सतत मूल्यांकन की विधियों का नाम बताइए, तो मासिक परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा और सत्र परीक्षा। जी हाँ, सतत मूल्यांकन विधि का नाम क्या क्या हो जाएगा, मासिक, सेमेस्टर और सत्र। किसी वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता बोध कहलाता है, किसी वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता को बोध कहते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कोई एक विशेषता आप बताइए, तो इसमें ऐसे प्रश्न होते हैं जिनकी उत्तर निश्चित व संक्षिप्त होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जो उत्तर होते हैं वो निश्चित और संक्षिप्त होते हैं। अगला है कि उत्तर परीक्षण की विशेषता होती है तो वैधता और विश्वसनीयता होती है आपका। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि जब परीक्षण करने से बार बार एक जैसा ही परिणाम आए तो इसे क्या कहते हैं, विश्वसनीयता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि औसत बुद्धि स्तर के छात्र की बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए, औसत, यहाँ औसत नहीं, यहाँ पर औसत कर लीजिएगा, तो औसत बुद्धि स्तर के जो छात्र की, इसकी बुद्धि लब्धि 90 से लेकर के 110 तक होनी चाहिए, जो औसत जो छात्र हैं आपका। अगला है आपका 55 नंबर कि कक्षागत समस्या का समाधान किसके द्वारा किया जाता है, कक्षागत समस्या का समाधान किसके द्वारा किया जाता है, तो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। अगला है 56 नंबर, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता क्या है दोस्तों, तो विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता। जी हाँ, नेक्स्ट है आपका कि औपचारिक शिक्षण की विधि है अनुवर्ग शिक्षण, स्वामित्व अधिगम। औपचारिक शिक्षण की विधि है अनुवर्ग शिक्षण और स्वामित्व अधिगम। नेक्स्ट है मूल्यांकन द्वारा पता चलता है छात्रों के व्यवहार परिवर्तन का, मूल्यांकन से द्वारा क्या पता चलता है, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन का। अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर कि विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं प्रस्तुतीकरण में, नेक्स्ट है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्र को क्या देती है, तो श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को क्या देती है, तो श्रेष्ठ कार्य करने की प्रक्रिया। निबंधात्मक परीक्षा की विशेषता क्या होती है,
निबंधात्मक परीक्षा की विशेषता क्या होती है? तो उपयोगिता होती है, ठीक है, यहाँ पर इसको आप मिटा लीजिएगा, है ना, उपयोगिता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता विद्यार्थियों के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, ना कि केवल उनकी बौद्धिक उपलब्धि का। ये कथन किसका है? तो रेम सर्जगेज का है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, कह रहा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता विद्यार्थियों के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, ना कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। ये जो कथन है रेम सर्जगेज का है। जी हाँ, रेम सर्जगेज का ये आपका कथन है। बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बहुवैकल्पिक प्रश्न कैसे होते हैं? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अच्छे प्रश्नों का निर्माण की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता होती है उद्देश्य और प्रयोजन। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 65 नंबर। कह रहा है कि निरीक्षण आँख द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है, यह कथन किसका है? दोस्तों, निरीक्षण आँख द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है, और ये जो कथन है ये युग का कथन है। किसका है? युग का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 66 नंबर। कह रहा है कि परीक्षण योग्यता निष्पत्ति या उपलब्धि रुचि यादि का मापन करने के लिए परीक्षा या प्रश्नावली या किसी प्रकार की युक्ति या विधि है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो C.B. गुड के द्वारा दी गई है। एक बार इसको और देख लीजिए कि कह रहा है कि परीक्षण योग्यता निष्पत्ति या उपलब्धि रुचि आदि का मापन करने के लिए, यहाँ पर या कर लीजिएगा, है ना, या उपलब्धि रुचि आदि का मापन करने के लिए परीक्षा या प्रश्नावली या किसी प्रकार की युक्ति या विधि है, ये जो परिभाषा दिया गया है ये C.B. गुड के द्वारा दिया गया है। 67 नंबर प्रश्न है कि प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं, पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताएं, यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? देखिए, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कह रहा है कि प्रश्न जो है कई प्रकार के होते हैं, पौधे और जानवर में 4 अंतर बताइए। इस प्रकार का जो अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये किसका उदाहरण है? तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 68 नंबर। कह रहा है कि एक चित्र के द्वारा डॉक्टर की रोगी का परीक्षण करते हुए दिखाया जा रहा है, यह कौन से प्रश्न का प्रकार है? तो चित्रात्मक प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर एक चित्र के द्वारा दिखाया जा रहा है ना, एक चित्र के द्वारा डॉक्टर की रोगी का परीक्षण करते हुए दिखाया जा रहा है, यह प्रश्न का कैसा प्रकार है? तो यह चित्रात्मक प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों चिंतन, ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन का क्या अर्थ होता है? ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कि आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया है? तो ये संक्षिप्त प्रक्रिया है। अगला है कि मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार कार्य करता है? तो पुनर्बलन का कार्य करता है। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है? तो ये पुनर्बलन का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन किस प्रकार का होता है? तो बहुआयामी होता है। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? तो प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। 74 नंबर प्रश्न है कि गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन किस परीक्षण के द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? जी हाँ, तो गणित में कह रहा है कि अधिगम निर्योग्यता का आकलन किस परीक्षण के द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा किया जा सका है। नेक्स्ट है आपका 75 नंबर। कह रहा है कि मार्गदर्शन का प्रयोजन है, तो ये मूल्यांकन की बहुविधि मॉडलों का प्रयोग है इसमें। नेक्स्ट है कि कौन सा जो व्यवहार है वो बच्चे को अधिकम निर्योग्यता की पहचान करता है? मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। जी हाँ, कौन सा व्यवहार जो है बच्चों के अधिकम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, ठीक है, यानी कि मूड स्विंग करना। अगला प्रश्न है कि बच्चों में अमूर्त मान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है, तो ये प्रतिभाशाली बच्चों में होती है। अगला प्रश्न है आपका, चलिए, तो यहाँ पर आपका ये भी आपका जितना भी मूल्यांकन से संबंधित था, आपको आकलन से संबंधित था, यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। जितने भी शिक्षा मनोविज्ञान थे उसके सिद्धांत यहाँ पर हम लोग देख लिए, और यहाँ पर जितने शिक्षण विधियाँ हैं उसको देख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए। लगभग यहाँ पर दोस्तों 250 प्रश्न यहाँ पर देखा गया अभी।
काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था ये, इसको PDF लेकर के आप एक दो बार इसको रिपीट कर लीजिए जल्दी जल्दी, या फिर आप वीडियो देख करके कर लीजिए, है ना। तो आप जैसे भी पढ़ना चाहिए तो इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आज का जो टेस्ट था आपका 45 समाप्त हो गया। इससे बाहर अगर आपको एक भी सवाल आने की संभावना नहीं है। डेली क्लास होती है 9 बजे से, और इसमें आप अगर PDF चाहिए तो आपको इस नंबर पर 7857824310, ये हमारा WhatsApp नंबर है, ये हमारा WhatsApp ग्रुप का भी नंबर है, तो आपको इसमें जुड़ने के लिए दोस्तों 351 रुपये का आपको सहयोग करना है, पेमेंट करना है। उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए, यानी कि जो आपकी एग्ज़ाम है वो डेट अभी सुनने में आ रहा है कि ये बढ़ने वाला है, अभी 25 जून आप लोग का एग्ज़ाम का है, है ना, प्रधान शिक्षक के लिए, और ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि एक लेटर घूम रहा है अभी भागलपुर का, जिसमें कहा जा रहा है 7 जुलाई को एग्ज़ाम होने की बात कही गई है, लेकिन ऐसा कुछ अभी ऑफिशियल लेटर नहीं आया है। जैसा ही कोई ऑफिशियल लेटर आता है तो आप लोग को बताया जाएगा। और इसमें अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं हमारे WhatsApp ग्रुप में, वहाँ पर आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा, ताकि आपकी क्लास आज आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप 351 आप इस नंबर पे कर दीजिएगा, और हमारे WhatsApp नंबर यही है, इस पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, वहाँ पर आपको WhatsApp ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा सारा मटेरियल भी, नोट्स भी, PDF भी, वीडियो भी, पीछे वाला आपको सारा वहाँ पर क्रम से मिल जाएगा, सभी मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये जब तक एक ही बार आपको पे करना है, बार बार पे नहीं करना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मंथली देना है क्या, नहीं ऐसा कोई चार्ज नहीं है, आप एक ही बार पे करना है, मंथली चार्ज कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए, है ना, तब तक आपको यहाँ पर सारा चीज़ मिलते रहेगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग मैसेज कीजिए, बताइए, है ना, और इसमें जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा हो सके, ठीक है दोस्तों। और जहाँ तक हो सके मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोग को काफ़ी तैयारी कराने का, है ना, और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का, कुछ कलेक्शन करने का, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है, इसीलिए मैं एक ही वीडियो आप लोग को दे पा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर 2 वीडियो दीजिए, है ना, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि सीटेट की भी क्लास लेना रहता है, तो उधर भी हमारा 1-2 घंटा टाइम चला जाता है, है ना, उसके लिए फिर इधर हमको समय लगता है, दिन भर फ़ोन आते रहता है, है ना, 100 से ज़्यादा कॉल आता है, उसको रिसीव करना, सबको जवाब देना, बताना, ये करना वो करना, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी एक ही वीडियो आ रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि 2 वीडियो बीच बीच में डालते रहूँ, है ना, जैसा होगा आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोग इसी प्रकार से बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, और अपना पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर इसी समय, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।